हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर वन सीक्रेट ऑफ हैप्पी रिलेशनशिप। अब कुछ ही दिनों पहले की एक घटना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप इस नंबर वन सीक्रेट के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाओ, आपको एक्चुअल में आइडिया है कि ये कैसे काम करता है। मेरा एक दोस्त है, जब मैं उसे मिला था उस दिन तो थोड़ा सा टेंशन में था, गुस्से में था, और मेरे साथ बातें करते करते अपनी लाइफ की, अपनी रिलेशन की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। तो मैंने जब उनसे पूछा तो बता रहा था कि मतलब मेरी वाइफ हमेशा ऐसे कुछ बातें बोलती रहती है, ठीक है, हम दोनों के बीच में कभी चीज़ें सही आजकल नहीं चल रही है, एंड इन सारी चीज़ों के कारण ना मेरे वर्क के ऊपर, मेरे जॉब के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। तो मैंने ना उनको साइकोलॉजिकल वाली चीज़ें, ह्यूमन साइकोलॉजी वाली कोई बातें नहीं की, कि जो वो पर्सन था, ठीक है, क्योंकि मैं उनको जानता था कि वो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देगा। करना तो दूर की बात है, उनके लिए समझना, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मैंने इसको बहुत सिंपल चीज़ कही कि तुझे ना आज से सिर्फ 7 दिन के लिए सिर्फ एक या दो चीज़ें उनके ऊपर फोकस करना है। अब एक या दो चीज़ जो मैं तुझे बताता हूँ जो तुझे करनी है, वो सिर्फ इतना है। सबसे पहली चीज़ कि तुझे अपनी वाइफ के बारे में ना अच्छा सोचना है कि वो दुनिया की सबसे बेस्ट एक औरत है, एक अच्छी वाइफ है, एक अच्छी लड़की है। एंड दूसरी चीज़ जो तुझे उसके बारे में सोचनी है कि यार वो तुम्हें अंडरस्टैंड कर रही है, तुम्हारे प्रॉब्लम को, तुम्हारे सिचुएशन को समझ रही है। दूसरी चीज़ कि भाई तुम्हें ये देखना है, ये इमेजिन करना है कि तुम दोनों के बीच में अच्छी चीज़ हो रही है, जो एक हस्बैंड वाइफ की तरफ तुम अपनी वाइफ से क्या चाहते हो, ठीक है, कि वो कैसे ट्रीट करे, तुम्हारे साथ उनका पूरा दिन कैसे गुजरता। तो ऐसे सोचने लगो, 7 दिन के लिए तुम उनके बारे में ऐसे सोचो और फिर मुझे मिलो। उसके लिए खास ज़रूरी जो चीज़ मैंने उनके ऊपर वजन दिया था, तो उसको बताते समय कि ये ना तुझे फील करना है, तू अभी इस टेंशन में हो क्योंकि तुम दोनों के बीच में ऐसा हो रहा है। तो जिस तरह से तुझे गुस्सा, ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बुरा है, और उसके कारण जो फ्रस्ट्रेशन निकल रही है ना, वो एक तरह की फीलिंग है। पर तू जब उनके बारे में ऐसा सोचे, अपने रिलेशन के बारे में ऐसा सोचे कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चल रही, तो वो तू कभी आराम से बैठ कर उनको अच्छी तरह से फील कर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ थोड़ी उसको लगी कि भाई करते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि इंसान परेशान होता है तब वो चीज़ें करेगा। एंड चौथे ही दिन में उसका मुझे कॉल आता है एंड कहता है कि यार मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, रियल में जो चीज़ें हम सोचते हैं, जो चीज़ें हम मान लेते हैं, वैसा होता नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिनके कारण आज मैं आपको ये स्टोरी, ये बात बताने वाला हूँ कि जिनके साथ इमोशन जुड़े हुए होते हैं, जिनके साथ आपका कुछ लेना देना होता है, एंड रियल में वहाँ पर आप अपनी एक आत्मा झोंक देते हो ना, तो आपको बहुत क्विकली रिजल्ट देते हैं। कहीं हमारे जो ऐसे वीडियो है जहाँ पर लोगों को 2 मिनट में 5 मिनट में 2 दिन में उनके पार्टनर का सामने से कॉल या मैसेज आए हैं, अब मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ एक्चुअल में चीज़ क्या वर्क करती, आपको किस तरह से करना चाहिए। मैं अपने एक ऐसे दोस्त से मिला था जो कि एक यूट्यूबर है, ठीक है, उसने मुझे बताया कि भाई साहब चीज़ ये ना कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छी ही थी, लेकिन उनके लिए पहले थी, लेकिन वो लड़की अच्छी थी। वो कहता है कि यार मेरे जितने आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, तो मैं देखता था कि यार लड़की दगा दे रही है, लड़की चीट कर रही है, लड़की धोखा दे रही है, यहाँ पर ये हुआ वो हो रहा है। एंड मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा 4 साल से रिलेशन था, कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आई नहीं, इवन मुझे कभी डाउट भी नहीं होता था उनकी हरकतों पे। पर मैं अपने आसपास के लोगों को देख कर ना ये बातें अपने माइंड में फीड करने लगा कि नहीं यार सबकी गर्लफ्रेंड धोखा देती है। एंड फाइनली उस लड़की ने मुझे धोखा देना स्टार्ट किया, पर उससे पहले धीरे धीरे मैंने अपने मन में ये डाउट, ये शक पैदा कर लिया था। हकीकत में देखे तो उस भाई साहब ने खुद अपनी लाइफ में ये ट्रेजेडी क्रिएट की थी धीरे धीरे। दोस्तों होता क्या है ना, आजकल हम सबका दिमाग ऐसा बन गया क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हमें ज़्यादा सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, तो हम ये कहते हैं कि भाई साहब ये पूरी दुनिया ना एकदम बुरी है, सब सबको धोखा दे रहा है, सबका कट रहा है, जो स्पेशल वर्ड बन गया आज, ठीक है, आपने भी सुना होगा। तो जब हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया बुरी है, सबका कटता है, एंड फिर हम क्या चाहते हैं कि इस बुरी दुनिया में से हमारा जो पार्टनर हो वो अच्छा होना चाहिए, हम खुद कहते हैं कि ये बुरी दुनिया है, तो भाई उस बुरी दुनिया में से कोई अच्छा पार्टनर निकल कर आपके पास कैसे आ सकता है। इसके लिए पहले भेजा ठीक करना पड़ेगा, पहले सोच हमारी ठीक करनी पड़ेगी कि भाई अच्छी दुनिया है तभी तो अच्छे लोग निकल कर आएंगे। ऐसे भी मज़े की बात मैं आपको बताऊं, हम दुनिया को बुरी कहते हैं पर हम सोचते हैं यार कि नहीं दुनिया बुरी है, मैं तो सही हूँ ना, मैं तो बहुत अच्छा हूँ ना। तो
हमारे ही दो अलग अलग लॉजिक हमारे सामने ही फेल हो जाते हैं, मैच नहीं होते हमारे दो स्टेटमेंट। ठीक है, दुनिया बुरी, मैं सही हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ ना, ठीक है, मैं वो पीके का एलियन हूँ, इसलिए कैसे मैच हो सकता हूँ। तो भाई ये सोच है ना हमें बदलनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को बार बार हर रिलेशन में धोखे मिलते हैं उनके साथ ऐसा, क्योंकि उनकी सोच ही ऐसी है भाई। रिलेशन बनने से पहले ही मान लेते हैं कि हाँ धोखा मिलेगा, ऐसा अंदर अंदर बैठा ही होता है उनके अंदर, तो मिलता है। तो दोस्तों अगर आपके रिलेशनशिप में ज्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ बात करना चाहते हो या हमारी लिखी हुई रिलेशनशिप की ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आज ही विजिट करिए हमारी वेबसाइट lovetipsinhindi.com। नंबर वन सीक्रेट दोस्तों, लोगों के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो, इस दुनिया के बारे में अच्छा सोचना शुरू करो। सुबह उठ के तुम्हें ग्रेटिट्यूड फील होता है, मेरी अच्छी लाइफ है, अच्छी हेल्थ है, अच्छा पार्टनर है, कमाल का पार्टनर है, मुझे प्यार करता है, क्या ऐसी फीलिंग तुम फील कर पाते हो? या यही कि न जाने कब मेरा पार्टनर धोखा दे जाएगा, पूरी दुनिया बदमाश है, उसको भी धोखा मिला, इसको भी धोखा मिला, हर किसी को धोखा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ना हमारी सोच को ही ऐसी बना देती है कि हम आज नहीं तो कल ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में अट्रैक्ट कर लेते हैं। फील करो यार, किसी भी कंडीशन में तुम्हारा रिलेशन है, फील करो कि तुम दोनों अच्छी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो, साथ में एक दूसरे को प्यार दे रहे हो, एक दूसरे की जो केयर तुम चाहते हो वो तुम अपने पार्टनर के लिए करो, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे लिए करे, ऐसे मोमेंट को फील करो और उसके लिए ग्रेटिट्यूड पैदा करो। क्योंकि आप कितनी भी साइकोलॉजिकल चीज़ें आजमा लें, लेकिन आपकी मेंटालिटी, आपकी सोच सही नहीं होगी ना, ये चीज़ मैंने देखी है, इनकी सोच सही होती ना साइकोलॉजिकल चीज़ें भी उनको बेटर ही रिजल्ट देती है, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत आपकी सोच से होती है। इसीलिए हमारी जो ई बुक है साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, मैंने पहला ही टॉपिक लिखा है आपकी मानसिकता के बारे में, आपकी सोच के बारे में, वो सही होना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। पर्सनली हम मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।